नमस्कार। कई बार प्रकृति, कुदरत कुछ ऐसा अपना रूप और रंग दिखाती है कि कुदरत की लीलाओं से, उसके रूप से इंसान को डर लगना शुरू हो जाता है। और कई बार एक ऐसा सिलसिला जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है कि अखबार पढ़ के दिल में उदासी, मायूसी, रूह और हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ पिछले एक माह, एक महीने से हो रहा है कि आए दिन जब अखबार खोलते हैं तो कितनी मृत्यु, मौत, जो बाढ़ से राज्य त्रस्त हैं उनसे हुई हैं, वो देख के दिल दहल जाता है। किसी शायर ने खूब लिखा है, बहुत हुआ अब थम जा मेघ, बहुत हुआ अब थम जा मेघ, सूखा जहां पड़ा है जरा अब वहां भी देख। प्रकृति किसी की सुनती नहीं, ना हमारे बस में है, पर इस आपदा से, इस समस्या से जूझना, लड़ना, बचना सरकारों के हाथ में है, केंद्रीय सरकारों के हाथ में है और राज्य सरकारों के हाथ में। टुडे 9 स्टेट्स इन इंडिया और मोर देन 9 आर अंडर द ग्रिप ऑफ हेवी रेनफॉल, कंसिस्टेंट मर्सीलेस रेनफॉल एंड आर बीइंग इफेक्टेड एंड इंपैक्टेड बाय फ्लड्स, स्वॉलोइंग हंड्रेड ऑफ लाइव्स, डैमेजिंग लाइव स्टॉक, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, रेंडरिंग पीपल होमलेस एंड शेल्टरलेस। एट द वेरी आउटसेट इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेसेस सॉलिडैरिटी विद ऑल द पीपल हु आर इंपैक्टेड बाय द फ्लड्स, द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर लव वंस, एंड एक्सप्रेसेस स्पेशल ग्रैटिट्यूड टू द रेस्क्यू टीम, फोर्सेस, स्पेशली द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ फोर्सेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धन्यवाद देती है तहे दिल से और हाथ जोड़ के देश की सेना को, वायु सेना को, नेवी को, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को, जो दिन रात एक करके जो बाढ़ से पीड़ित या जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिन पहले अखबारों में एक रिपोर्ट आई कि मॉनसून सेशन सरकार के लिए बहुत अच्छा रहा। कई तरह के बिल पे चर्चा हुई, कई समस्याओं पे चर्चा हुई, पर इसी मंच से मैं बहुत दुख से कहता हूं कि मॉनसून सत्र में बाढ़ से डूबते राज्यों पे भाजपा सरकार ने कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। मॉनसून से त्रस्त, मॉनसून से आपदा से त्रस्त राज्यों की समस्याओं भाजपा के जहन में नहीं है। एन इंटायर मॉनसून सेशन बीजेपी डिड नॉट पे अटेंशन टू द ड्राउनिंग सिचुएशन ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द कंट्री। डिस्पाइट मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम असम प्रोटेस्टिंग, डिस्पाइट पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम केरला और ऑल द स्टेट्स रेजिंग डिमांड्स, नो सीनियर लीडर और पार्लियामेंटेरियन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी डिस्कस द सिचुएशन। सो मॉनसून सेशन वॉज अ कंप्लीट वॉश आउट एज फार एज द सीरियस फ्लड सिचुएशन इज कंसर्न इन द कंट्री। भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की समस्या को लेके एक गैर जिम्मेदाराना रवैया और असंवेदनशील, इनसेंसिटिव अप्रोच अपना रही है जिससे ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। द बीजेपी इज डिस्प्लेइंग इनसेंसिटिव लैकडेसिकल अप्रोच टुवर्ड्स द फ्लड फ्यूरी बीइंग विटनेस्ड इन इंडिया। बीजेपी इज फेलिंग टू एक्नॉलेज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन
the gravity of this problem of floods which our country is facing. This is the Lok Sabha reply given by the Bharatiya Janata Party on 23rd July 2019. 6,585 people have died in the past 3 years due to floods and natural calamities. 6,580 से ज्यादा जाने गई हैं हिंदुस्तान में बाढ़ की और बारिश की समस्या से. अप्रैल 1, 2019 से जुलाई 2019 तक 5 लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं बाढ़ की समस्या के चलते. मैं दोहराता हूं, 1 अप्रैल 2019 और जुलाई 2019 5 लोग रोज जान गंवा रहे हैं बाढ़ और ये भारी भरकम जो बारिश हो रही है इसके चलते. ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं जो उन्होंने 23 जुलाई 2019 को दिए, जिसकी कॉपी मैं आपको दूंगा. केरला में 57 डेथ्स और 1,60,000 लोग बेघर हो गए. महाराष्ट्र में 30 लोग, जो अभी तक खबर मीडिया रिपोर्ट से आ रही है, वो अपनी जान गंवा बैठे और 4,00,000 से ज्यादा लोग रातों रात घर से बेघर हो गए. कर्नाटक में 31 लोग और 3,50,000 लोग अपने घर से बेघर हो गए. असम में 100 और 90,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए. बिहार में 130, 1,50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते अपने घर से बेघर हो गए. गुजरात में 100 और 5,000 से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है. तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब में रेड अलर्ट चल रहा है. तो प्रश्न ये है, जब पूरा देश, ये 9 राज्यों से ज्यादा बाढ़ में डूबे हुए हैं, डूब रहे हैं, भाजपा ने पूरे मॉनसून सत्र पे इस पे चर्चा क्यों नहीं की? द बीजेपी गवर्नमेंट, रादर देन इंडल्जिंग इन फोटो ऑपिज्म, should display activism for combating with the current flood situation in the country. हवाई दौरे से ज्यादा जमीनी सहायता की जरूरत है इन राज्यों को बीजेपी से. अब मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं जो ये साबित करते हैं कि केंद्रीय सरकार बाढ़ की समस्या को लेके बिल्कुल गंभीर नहीं है और एक कुंभकर्ण की नींद सो रही है. पहला, हम जानते हैं कि सरकार एक चीज में माहिर है, वो है आंकड़े दबाना और रिपोर्ट छिपाना. पर सत्य तथ्य पे टिका है और सत्य जो होता है वो एक लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता. 2017 की कैग की रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ उत्तराखंड में जिस हिसाब से बाढ़ आया, 17 राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स लागू किए गए ताकि आने वाले बाढ़ की तैयारी कर सके. कैग रिपोर्ट 2017 के अनुसार इन 17 राज्यों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे नहीं हो सके क्योंकि केंद्रीय सरकार ने पैसा ही, फंड ही रिलीज नहीं किया. बीजेपी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द फ्लड प्रिपेयर्डनेस बाय नॉट रिलीजिंग फंड्स टाइमली विच कुड हैव प्रिवेंटेड और रेस्क्यूड और सेव द लाइव्स. एज पर कैग रिपोर्ट 2017, फ्लड प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट्स, फ्लड प्रिपरेशन प्रोजेक्ट्स इन 17 स्टेट्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू नॉन रिलीज ऑफ फंड्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द बीजेपी. इन इंग्लिश देयर इज अ सेइंग, बैड एग्जांपल्स सर्व एज गुड वार्निंग साइंस. जो जीवन में आपके सामने बुरे उदाहरण होते हैं उन्हें एक अच्छी चेतावनी मान के अपनी नियत और नीति से उन पे काम करना चाहिए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश का हर
नागरिक ये पूछता है कि भाजपा ने क्या उत्तराखंड से जिस प्रकार हजारों लाखों जाने गई उससे कुछ नहीं सीखा? जिस प्रकार से पिछले साल केरला में अनेक जाने गवादी गए, क्या उससे कुछ नहीं सीखा? जब हिंदुस्तान का मेट डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, हजारों जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिपोर्ट्स आती हैं चेतावनी देके फ्लड्स की, भाजपा सरकार ने उसकी तैयारी क्यों नहीं की? ये कैग रिपोर्ट भी मैं आपके साथ साझी करूंगा। दूसरा उदाहरण असम, एक चौंका देने वाली रिपोर्ट। भाजपा सरकारें तोड़ने में, दूसरी पार्टियों से एमपी तोड़ने में माहिर, पर जब उस राज्य के लोगों की सरकार को की जरूरत होती है तब भाजपा एक गहरी नींद में चली जाती है। एक आरटीआई रिपोर्ट के तहत और सरकार की रिपोर्ट के तहत 2014 से लेकर 2018 तक असम को केंद्रीय सरकार के एनडीआरएफ फंड, नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फंड होता है, उससे एक रुपया तक नहीं गया। मैं दोहराता हूं, द गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ असम डिड नॉट रिसीव अ सिंगल रुपी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एनडीआरएफ फंड फ्रॉम 2014 टू 2018 एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सरकार की रिपोर्ट है, सीरियल नंबर 3 असम 2019 से लेके 19 से 20 के कितने पैसे केंद्रीय सरकार ने असम को दिए? शून्य शून्य शून्य। ~60% शॉर्टफॉल है केंद्रीय फंड में असम को, जब वहां पे प्रोजेक्ट्स जो फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको लागू करने की बात आती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज इस मंच से पूछती है कि भाजपा जिस सरफरोशी, दरिया दिली और शिद्दत के साथ चुनाव पे खर्चा करती है, उतनी दरिया दिली शिद्दत के साथ बाढ़ से पीड़ित राज्यों को केंद्रीय सरकार पैसा क्यों नहीं देती? बीजेपी डिस्प्लेज लार्ज हार्टेडनेस व्हाइल स्पेंडिंग ऑन इलेक्शंस बट टर्न्स extremely miser, close gripped while spending to rescue 100,000 lakhs of lives in flood affected states. From this very platform, on behalf of the people of this country, Indian National Congress demands that BJP should spend at least, government should release at least 50% of the funds in proportion to what they spent on general election 2019 to help the people who are stuck in these floods or who are, have been displaced from their houses. मीडिया के साथियों से पता लगा कि भाजपा ने हजारों बीसों हजारों करोड़ रुपया चुनाव पे खर्च दिया। अगर मैं सरकार के इन आंकड़ों का टोटल भी करूं तो ये 500 करोड़ भी नहीं आता जो ये राज्यों को दिया गया है जो बाढ़ से पीड़ित है। तीसरा उदाहरण, गैर जिम्मेदार रवैये और फोटो अभियान का। महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरी के अनुसार और जो मीडिया में रिपोर्ट छपी, महाराष्ट्र में किसी बाढ़ से पीड़ित गांव, घर या मानुष को अगर सरकार से सहायता चाहिए तो उस पर शर्त लगा दी गई है कि उसका घर 2 दिन तक बाढ़ में डूबा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का कोई गांव आधा दिन सिर्फ बाढ़ में डूबा है और यहां 1 दिन बाढ़ में डूबा है और वो गलती से भाजपा के किसी महकमे, सरकारी महकमे में फोन कर दे तो वहां से जवाब आएगा, अभी आप डूबे रहिए क्योंकि सरकार कहती है जब 2 दिन तक डूबे रहेंगे तब 10 किलो चावल आपके घर पहुंच जाएंगे। चौथा उदाहरण केरल,
हम सभी जानते हैं कि पिछले साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ केरला में बाढ़ में, 10,000 करोड़ रुपए का। और आज जब मैं बात कर रहा हूं और माननीय श्री राहुल गांधी जी वहां उपस्थित हैं, आज वो जितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है वो आंकड़ा 60 पे पहुंच गया है, और जिन लोगों को घर से बेघर हो गए 1,60,000। केरला की स्पष्ट मांग के 10,000 करोड़ का नुकसान पिछले साल बाढ़ में ये सरकार की रिप्लाई के अनुसार केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया, केवल 3,000 करोड़ रुपया। आखिरी कर्नाटका, अभी हाल ही में ही चोर दरवाजे से भाजपा की सरकार बनी है कर्नाटका में, आप सब जानते हैं, आपने देखा किस प्रकार डंडा तंत्र और नोट तंत्र ने लोकतंत्र को अपाहिज करते हुए चोर दरवाजे से अपनी सरकार बनाई। और आज मीडिया के सूत्रों से यह भी पता चल रहा है माननीय अमित शाह जी भी कर्नाटका हवाई दौरे पे जा रहे हैं या चले गए हैं या हो गया है। कर्नाटक की मांग है इस बाढ़ की समस्या से जूझने को, लोगों को बचाने को 3,000 करोड़ रुपए। वाइल मिस्टर अमित शाह इज ऑन एरियल सर्वे ऑफ कर्नाटका, विल ही अग्री टू द डिमांड ऑफ 3,000 करोड़ सेंट बाय द बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका? दैट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन टुडे वी आर आस्किंग कि केंद्रीय सरकार मौजूदा बाढ़ की स्थिति को एक नेशनल डिजास्टर, नेशनल कैलेमिटी घोषित करे, और जो रिलीफ पैकेज, जमीनी रिलीफ पैकेज चाहिए, उतना रिलीफ, उतनी आर्थिक सहायता वहां पहुंचाए। दूसरा, भाजपा की केंद्रीय सरकार राज्य की जो मांग है, चाहे वो केरल हो, असम हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, उनको बिना किसी भेदभाव से उनकी जो आर्थिक सहायता की मांग है उसको पूरा करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली रिलीज फंड्स टू ऑल द फ्लड इंपैक्टेड स्टेट्स इन द प्रोपोर्शन एंड इक्वल टू द डिमांड रेज बाय द स्टेट्स टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ लाइफ। तीसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिलीज इमीडिएटली अ व्हाइट पेपर ऑन द फ्लड प्रिपेयरनेस, फ्लड मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर द पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फ्लड्स। केंद्रीय सरकार को तुरंत से एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि वो बाढ़ की समस्या से बचने के लिए और लोगों को दोबारा बसाने की जो स्कीम है उस पर क्या मंथन, चर्चा और कितने फंड लागू कर रही है। और चौथा, मैं दोहरा देता हूं, चौथी बार ही दोहरा रहा हूं पर ये अहम है, द बीजेपी शुड रिलीज फंड्स इन द सेम प्रमोशन दे प्रपोर्शन दे स्पेंड फंडिंग ऑन देयर ओन इलेक्शंस टू सेव द इंडियन सिटीजंस फ्रॉम द रैथ ऑफ नेचर। भाजपा उसी दरिया दिली से बाढ़ वाले जो से पीड़ित राज्य हैं उन पे पैसे, उनको फंड दे जितनी दरिया दिली से वो अपने चुनाव पे खर्चा करते हैं। ये हमारी चार स्पष्ट मांगे हैं और उम्मीद करते हैं बिना किसी तूतू मैमे की राजनीति के, कुदरत के सामने राजनीति नहीं की जाती, ये स्पष्ट मांगे हैं, भाजपा उन मांगों को लागू करे और तुरंत से तुरंत जनता को जवाब दे, हिसाब दे और बिना किसी पक्षवाद के उनकी सहायता करे। कोई आपका प्रश्न हो तो मैं जरूर।